और अब चलते हैं खबरों में विस्तार से। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह के बयान पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने सुरेंद्रनाथ के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए न केवल जमकर नारेबाजी की बल्कि सदन से वॉकआउट कर दिया। हंगामा करते हुए कांग्रेस विधायक सदन से बाहर आ गए और सुरेंद्रनाथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की यही संस्कृति है, वो मारकाट की ही बात करती है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने जिस तरह से बयान दिया था, जिसमें खून बहाने की बात उन्होंने कही थी, उसको लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यही मारकाट की बीजेपी की संस्कृति है। प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इनके एक विधायक इंदौर में बेट मारते हैं क्योंकि वो मकान माफिया है। पूर्व विधायक घुमती माफिया के रूप में यहाँ पे अधिकारियों को धमकाते हैं। वो स्पष्ट रूप से जो गांधी के विचारों का प्रदेश है, इसमें गोडसे की विचारधारा को प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हत्या और खून की बात करते हैं। हमने मांग करी है कि इस पे निंदा प्रस्ताव हो और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाली पुश्ते बीजेपी की याद रखे कि जिस ये शिवराज की सरकार दी है, जहाँ अधिकारियों को मार लोगे या खून बहा लोगे, ये कमलनाथ जी की सरकार है जिसमें सबका विकास होगा, सबका साथ होगा और गांधी के विचारों पे चलेगी। यही बात को लेकर आज ने महिमा दिया।